माँ बाप की सेवा, बड़े बुजुर्ग की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। नेता राजकुमार पासवान, कोडरमा जयनगर प्रखंड अंतर्गत रुपया डीम पंचायत निवासी नेता राजकुमार पासवान ने यह साबित कर दिखाया। बड़े बुजुर्ग दादा दादी और माता पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, बड़ा कोई कर्म नहीं। द्रौपदी देवी, जिनकी उम्र 58 वर्ष हो चुकी है और सभी विवाह लाठी के सहारे चल रही हैं। ग्रामीणों ने बताया कि लगभग एक वर्ष पूर्व इनकी शारीरिक स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी थी, लेकिन कहावत है जाकू राखे साइयां, मार सके ना कोई। यह कहानी नेता राजकुमार पासवान ने साबित कर दिखाया। ग्रामीणों ने कहा कि 45 दिनों तक वृद्ध दादी को ढाब का पानी पिलाकर नई जिंदगी के रूप में जीने का, वृद्ध दादी माँ को जीने का अवसर फिर मिला। इस सेवा भाव को देखकर ग्रामीणों में बड़े बुजुर्ग की सेवा भाव जगमगा उठी है। पूछे जाने पर नेता राजकुमार पासवान ने बताया कि हमारे माता पिता और बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद प्राप्त है। माता पिता के संस्कार के कारण मैं सेवा भक्ति करता हूं और जनता का सेवक बनकर मैं उनके कार्यों में हमेशा तत्पर रहता हूं। यही हमारी पहली प्राथमिकता है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि बड़े बुजुर्ग और असहाय लोगों को, ज़रूरतमंदों को सहयोग करें, सहायता प्रदान करें। इसका फल प्रभु आपको स्वयं देगा। सबसे पहले पत्रकार संजय गुप्ता को आपका प्रणाम। आपके पोते के बारे में बहुत मैंने सुना है कि वो देश की सेवा करते हैं, और हमें पता चली है कि माँ की सेवा और दादी की सेवा तन मन से करते हैं। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसी आपकी सेवा करते हैं ये? दवा करूं बड़ी नतिया, सेवा करूं दवाई भी, जहां तक कि लोग गोर हाथ सब करो है, बड़का सब सेवा करो हो, नतीय करो हो, सब सेवा दवा जीरो आलो हो, कहना जाए सब चीज के हमारा पूरा करो है, नतीय नतिया है कमर का सब चीज़ करो ही है, हमारा दवा जीरो सब कुछ जितना संहार करे के हो तितना सब संहार करो, कहाँ से तो खोज लो तो दादी खैली दवाइया आम तो भूसवा आम तो सब जाके सेवा करो। चलिए, बहुत सुन के अच्छा लगा कि आपके नाती और पोता दोनों आपकी बहुत सेवा करते हैं। ये राजकुमार जी हैं और ये तन मन से आपकी सेवा कर रहे हैं। आपकी मुखाग्नि सुनकर अच्छा लगा। अब मैं राजकुमार यादव से, सॉरी राजकुमार जी से बात करना चाहता हूँ कुछ। धन्यवाद आपको संजय जी, आप इस तरह का जितने भी होते इलाके में आप लोगों का सवाल लोगों तक पहुँचाते हैं, इस कड़ी में आप मेरे यहाँ भी आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मानव सेवा ही सबसे बड़ा सेवा है, और इस उम्र में जो है इन लोगों की सेवा की ही जरूरत पड़ता है, और मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि जब बचपन में हम लोग थे तो बहुत हमारी दादी सेवा की, खिलाई पिलाई, बहुत मेहनत से हम लोग पाली पोसी है। अब मेरा फर्ज बनता है कि इनका हर संभव हमारा देख रेख रखाव करना। देखिए, एक्चुअली अभी के समाज में जो बना हुआ है, कोई उम्र इस उम्र में लोग देखते हैं, बहुत जगह फैसला भी करना पड़ता है, हम लोग को देखभाल नहीं करता है। तो हम कहते हैं कि और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो बहुत लोग खिलाते पिलाते हैं, उड़ाते हैं, ग्रामों दसवा बराम करते हैं, लेकिन उनके जीते जीव जो है इस तरह का खिला पिला नहीं पाते हैं, सेवा नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि जब इस उम्र में माँ बाप दादी कोई पहुँच जाए तो उनकी सेवा करना है, क्योंकि वो आश्रित हो जाते हैं अपने बाल बच्चे पर, इनके इस उम्र में क्या कर सकते हैं ये लोग। इसलिए मेरा फर्ज बनता है जब भी हम आते हैं अपनी दादी को पैर दबाना, और अभी देखिए सुबह सुबह हम डेली अभी जो है कि इनको डाब पिलाते हैं ताकि ठीक रहे। हमारे डॉक्टर भी इनके पीछे लगा रखे हैं, सिकंदर जादो बेको का, कि जब भी कुछ होता है तो आकर के इनका इलाज करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा कि आप इतनी सेवा भक्ति अपनी दादी की कर रहे हैं, और ये एक अच्छा संदेश है कि हर कोई दादी की सेवा करे, बड़े बुजुर्गों की सेवा करे। दीदी समाचार संजय गुप्ता की रिपोर्ट।